ये पावर केबल इसकी प्लग इन है, ठीक है, ये मदरबोर्ड की लाइट ऑन है, ठीक है, इसको स्विच ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये स्विच ऑन हुआ है, इधर से फ़ैन भी ऑन हो गया है, लाइट इसकी जो है ना वो वाइट है, ठीक है, लेकिन ये इसकी स्क्रीन के ऊपर जो है इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का PC है, AMD HP Elite Desk 705 G2 SFF, ठीक है। ये पावर केबल इसकी प्लग इन है, ठीक है, ये मदरबोर्ड की लाइट ऑन है, ठीक है, इसको स्विच ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये स्विच ऑन हुआ है, इधर से फ़ैन भी ऑन हो गया है, लाइट इसकी जो है ना वो वाइट है, ठीक है, लेकिन ये इसकी स्क्रीन के ऊपर जो है इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है, काफ़ी देर ये लगा रहे, ठीक है, तो फिर भी डिस्प्ले नहीं आता इसका। चेक कर रहे हैं, पीछे इसकी VG केबल लगी हुई है, लेकिन इसका डिस्प्ले जो है ना वो शो नहीं हो रहा, इसी तरह प्रॉब्लम आ रही है इसको। अभी मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ चेक करें इसकी, ये रैम हम उतारते हैं, ये रैम हमने उतार ली है बाहर, ठीक है, अब इसको पावर केबल लगाते हैं, तो ये चीज़ चेक करें, ये बीप आ रही है इसकी, ठीक है, रैम हमने निकाली हुई है लेकिन इसकी बीप आ रही है। जिस तरह ही इसकी रैम कोई भी लगाएं, रैम हमने दूसरी भी लगा के चेक कर ली है दो तीन, लेकिन इसी तरह सेम जो है ना इसकी कंडीशन है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने तो इसका जो ये सीमोस का सेल है ये आपने निकाल लेना है, ठीक है, सीमोस का सेल निकाल के तो इसकी ये बायस लगी हुई है, ये बायस के जो है ना हम सिग्नल चेक करेंगे कि इसके सिग्नल किधर आके खड़े होते हैं, तो वो स्कोप के ऊपर होंगे, तो चलें चेक करते हैं इसको जी। बिस्मिल्लाह, ये अभी चेक करेंगे, ये इसका जो है ना PC आ गए सामने, इसको स्कोप के ऊपर चेक करेंगे लगा के सिग्नल, तो ये इसकी बायोस है, ठीक है, ये बायोस के सिग्नल है, ये देखें ये अभी पावर केबल लगी हुई है, तो ये 3 वोल्ट आ रहे हैं बायोस के ऊपर, तो जैसे ही इसको अभी बटन को पुश करेंगे, ऑन करेंगे, ये बटन ऑन किया हमने, ये फ़ैन ऑन हो गया, ये स्कोप की जो है ना प्रोडक्ट हमने रखी है बायोस के ऊपर, तो ये चीज़ चेक करें सिग्नल इसके बन रहे हैं, ठीक है, ये रैम पार्ट है, अभी रैम पार्ट ली है इसने, ठीक है, तो ये सिग्नल जो है ना प्रॉपर तौर के ऊपर उसी तरह ब्लिंक कर रहे हैं सेम। तो ये रैम जो हमने वाईफाई कर ली है, क्योंकि ये खड़ा भी इसने इधर से किक मारनी है बायस ने और फिर इसका डिस्प्ले आना है, लेकिन उसी जो है ना फिगर के ऊपर खड़ा ही है, आगे नहीं जा रहा, तो इसको अब जो है ना हम बायस करेंगे, क्योंकि रैम तो हमने वेरीफाई कर ली हुई है, रैम बिल्कुल ओके है, रैम का इशू नहीं है, ठीक है, तो अभी बायस करेंगे इसकी, इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह, ये इसकी बायस उतार ली हमने, ठीक है, ये बायस है इसकी, अब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह, इसकी ये बायस कर रहे हैं हम, ठीक है, ये प्रोग्रामर के अंदर लगाया हुआ IC इसका, ठीक है, ये कंप्लीट इसकी बायस होती है, तो फिर ये IC उतार के तो ये मदरबोर्ड के अंदर लगाएंगे इसको इंशाल्लाह दोबारा, तो फिर इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये IC अब लगा लिया हमने बायस का, ठीक है, तो अब इसको ज़रा लगा के ऑन करके चेक करते हैं ज़रा, क्योंकि अभी सेल इसका बाहर निकालना है, तो 1 से 2 दफ़ा ये रिस्टार्ट भी होगा, उसके बाद ये ऑन होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, अभी इसको करते हैं ऑन, ठीक है, ये स्विच ऑन कीजिए इसको। बिस्मिल्लाह, ठीक है, तो ये ऐसे ही ऑन ऑफ हो रहा है, स्विच ऑन नहीं हो रहा, ये भी ऑन हुआ, ठीक है, इसका स्क्रीन के ऊपर देखते हैं डिस्प्ले, क्योंकि ये थोड़ी देर इसको ऑन करना पड़ेगा, सेल नहीं है इसके अंदर, बायस नहीं किया है, तो हो सकता है 2 से 3 दफ़ा ऑन ऑफ हो। जी बिस्मिल्लाह, वही सेम कंडीशन थी इसकी, ये बायस इसकी एक ये लगी हुई है, एक बायस इसकी ये लगी हुई है साटा पोर्ट्स के कोल, तो ये बायस तो हमने करके चेक कर लिया है, ये नोवोटन के पास है, तो अब ये वाली बायस रह गई है हमारी, ये बायस एक करके चेक करते हैं दूसरी वाली, तो ये भाई साहब हमने उतार ली हुई है, ठीक है, ये भाई साहब करते हैं हम। बिस्मिल्लाह, लें जी, ये दूसरी बायस भी करके हमने लगा दिया ये, ठीक है, एक ये बायस है नोटन के पास है, एक बायस जो है ना ये साटा पोर्ट्स के पास है, 2 बायस हैं इसकी, तो अब इसको ऑन करके तो चेक करते हैं अब क्या इसकी कंडीशन है।